आज मैं आपसे पेपर 4 पे बात करने वाला हूँ यूपीएससी के। और जब से यूपी पीसीएस के सिलेबस में इस पेपर को अडॉप्ट कर लिया गया है, तब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल सेक्शन हो गया है बहुत बड़े विद्यार्थियों के एक वर्ग के लिए। इस पेपर को लेके इसलिए मुझे आना पड़ा है आपके बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है और स्टूडेंट्स में परेशानी है कि कैसे इसके मटेरियल को प्रिपेयर किया जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा आंसर राइटिंग में। ये सब बातें मैं आपसे करूँगा, थोड़ी देर में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं कि इस पेपर का जो टाइटल है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इसके 3 पार्ट्स हैं। तीनों अगर आप पार्ट्स पे देखें कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये 3 हेडिंग इसमें डाली गई हैं। तो आज मैं सिर्फ आपसे एथिक्स पे बात करूंगा कि इस पेपर में इस वर्ड्स को एकोमोडेट करने की क्या ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है कि पूरे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, अगर आप गवर्नेंस की कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम में हमारे कोई प्रॉब्लम रही है अब तक में, तो वो प्रॉब्लम रही है एथिक्स की। या जो भी कुछ चार्ट आउट की जाती हैं स्कीम्स, जो कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि हमारा लोगों तक, पीपल्स तक, पब्लिक तक पहुंचाना है, डिलीवर करना है इन सर्विसेज को, वो अगर नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है एथिक्स का। और शायद यही वजह है कि इस पेपर में, हमारे पूरे सिलेबस में इस पेपर को शामिल किया गया और इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड जैसा टाइटल ऐड किया गया है। तो सबसे पहले एथिक्स पे बात करूं। अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि एथिक्स क्या है, फिर अगले लेक्चर में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे और ग्रेजुअली हम इस पेपर को डीप स्टडी करते जाएंगे, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आपके पास इसके पेपर्स के। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ इससे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप कुछ भी इस पेपर में प्रिपेयर करें, कहीं से भी प्रिपेयर करें, कोई भी मैटर आप रीड करें, लेकिन इसको मैकेनिकल ना बनाएं। इसको लर्न करके, मगप करके, रट्टा मार के, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ, तो इस पेपर को ना तो तैयार किया जा सकता है, ना लिखा जा सकता है, और ना इसमें नंबर पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस पेपर में जो भी टर्म्स आना है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप अपनी लाइफ से कोरिलेट कीजिए इन टर्म्स को, अपनी ओन लैंग्वेज में, अपने एक्सपीरियंसेज में, अपनी फीलिंग्स के साथ रिलेट कीजिए। एग्जाम्पल्स भी आप अपनी लाइफ से ज़्यादातर ट्रीट करें अगर, तो बेहतर होगा। और वहाँ से आप इसको समझने की कोशिश करें कि वास्तव में जो कुछ भी इस पेपर में शामिल है, जो भी टर्म्स आपके सामने आएंगे, कुछ टर्म्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, या जो भी इस तरह के टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज में जाने की कोशिश ना करें। खुद से महसूस करें कि ये क्या होता है। इसी अप्रोच के साथ सबसे पहली कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है टर्म्स हमारे पास एथिक्स। एथिक्स यानी कि अगर हम कहें नैतिकता, जैसा कि मैंने आपसे अप्रोच डिस्कस की है कि इस पेपर को अपनी लाइफ से रिलेट करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग में इसको समझना है, न कि किसी बुकिश लैंग्वेज में। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात कि बहुत बार लाइफ में हमारे एथिक्स यूज होती है, हम कहते हैं ये एथिकल नहीं है, अनएथिकल है, नैतिक नहीं है, अनैतिक है। इसका क्या मतलब होता है? हम जब भी इन वर्ड्स को यूज करते हैं, तो वास्तव में हम क्या बताना चाहते हैं? इस सवाल पे आप गौर करें। यहीं से हमारी अपनी हमारा जो तरीका है वो स्टार्ट होता है। जब भी हम ये यूज करते हैं कि ये नैतिक है या अनैतिक है, उस समय आपके कहने का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है कि आप ये बता रहे होते हैं कि कुछ ऐसे आइडियाज हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो किया जाना चाहिए।
पहले से कुछ बने हुए रूल हैं, अगर कोई चीज़ उस रूल के अकॉर्डिंग हो रही है, उस प्रिंसिपल के हिसाब से हो रही है, तो आप कहते हैं ये एथिकल है। और अगर उन रूल्स के, उन नियमों के, उन सिद्धांतों के विपरीत कुछ हो रहा है जो कि आप पहले से जानते हैं, मैं समझता हूँ सही बात है, जो कि आप पहले से जानते हैं उसके अगेंस्ट हो रही, उसके विपरीत हो रही है, तो आप कहते हैं अनैतिक है ये। एक उदाहरण देखें, समाज में हम बचपन से हम एक वैल्यू, एक सिद्धांत सीखते हैं कि चोरी करना ठीक नहीं है। जब भी आप किसी को चोरी करते हुए देखते हैं तो ये आपके दिमाग में जो सिद्धांत है, जो पहले से आपने बिलीफ बना रखा है कि चोरी करना ठीक नहीं है, वैसे ही आप कहते हैं कि ये काम अनजस्ट है, अनैतिक है, अनएथिकल है। ठीक ऐसे ही आपको हर एक परिभाषा के उदाहरण को समझना है। अगर आप सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में हम और बात करें तो ये इथोज वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज में इथोज से बना हुआ है। और इथोज का मतलब होता है कस्टम, ट्रेडिशन या परंपरा। ग्रीक टर्मिनोलॉजी में इथोज का मतलब है कस्टम, ट्रेडिशन या परंपरा। सिंपली इसका मतलब है जो चला आ रहा है, जो फ्लो में है, जो लोग यूज करते हैं, जो मानते हैं, उसके अगेंस्ट अगर कुछ है तो वो अनएथिकल है। उसी टर्म से ये डेराइव हुआ है। ये तो हुई वेस्टर्न जो थीम है, जो वेस्टर्न बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग एथिक्स की बात। क्या इंडियंस जो है इस कंसेप्ट से बिल्कुल अननोन थे, नहीं पता था उन्हें कि व्हाट इज एथिक्स, नैतिकता क्या है? जाहिर सी बात है कि आप इसका आंसर ना में मुझे देंगे। एथिक्स हमारे जीवन का महत्वपूर्ण और अहम पहलू रहा है। किस रूप में रहा है, कैसे दिखा है, तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा पीछे। भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में एथिक्स के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, धर्म, धर्मा। धर्मा या धर्म इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर एथिक्स। इंडियन स्टोरीज, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर में धर्म शब्द का प्रयोग है। धर्म का अर्थ है, धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, जिसे आपको जीवन में उतारना है। और ये धर्म कोई सेपरेट सेपरेट अवधारणा नहीं थी, ये धर्म ऐसा था जिस जो सबको फॉलो करना था, सबको मानना था। इस अर्थ में इसका एक और अर्थ होता था धर्म का, कि जो सबको साथ में बांधता हो। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप ये, इसका अर्थ ये नहीं था कि सबके धर्म अलग अलग हैं। हाँ, हर कोई उस धर्म के किसी एक पार्ट को प्ले कर रहा होता था, मान रहा होता था। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करता करे तो सामूहिक रूप से उस धर्म को हम पूरा कर पाएंगे। तो एथिक्स की अवधारणा हमारे अपने दर्शन में ये थी। तो ये जो पेपर है, इसको जैसे मैंने आपको बताया कंसेप्ट के तौर पे, कि आप अपनी लाइफ से रिलेट करें, खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाएं, खुद के कंसेप्ट बनाएं। एक और मैं आपको टर्म से इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक टेक्निकल टर्म्स आपके सामने आएगा, एटीट्यूड, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है ये सेट ऑफ बिलीव्स है आपका, ये किसी आइडिया के को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आपका बिलीफ है, आप क्या मानते हैं उसे। हो सकता है उसके बारे में आप ज़्यादा अच्छा सोचते हों, बेहतर सोचते हों, उससे अफेक्शन रखते हों, या ये हो सकता है कि आप उसे पसंद ना करते हों। मैंने पहले ही कहा कि आप अपनी भाषा में समझो, हो सकता है आप उसे पसंद न करते हो, अच्छा ना मानते हो, ये आपके बिलीफ्स पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि जैसे कि चाय पीना, कुछ लोग अच्छा मान सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर हैबिट और इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं कि इट्स नॉट गुड, टी इज़ अ लाइक टेकिंग एनी सब्सटेंस विच इज़ हार्मफुल टू अवर बॉडी।
तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए नुकसानदेह हो, ऐसा मान सकते हैं आप, लेकिन ये आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। कुछ लोग महंगे सामान यूज करना, लग्जरियस चीज़ें यूज करना बेहतर मानते हैं, उनका मानना है कि जीवन में अच्छा है, भोग करना चाहिए। कुछ लोगों की मान्यता है कि नहीं, सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। तो ये आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज़ को लेके बेहतर मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो उसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। अगर आप उसको अच्छा नहीं मानते हैं, नहीं अपनाना चाहते हैं, तो उसे हम निगेटिव एटीट्यूड कहते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम इस पूरे पेपर को तैयार करेंगे। बाकी भी टर्म्स मैं डिस्कस करूंगा, बहुत इजली आप इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। एक और सेक्शन है जिस पे मैं थोड़ी सी बात आपसे करूं कि इसमें एक हिस्सा है आपके सिलेबस का जिसमें आप केस स्टडी करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों में होता है केस स्टडी को लेकर के। आप किसी बने बनाए सेट पैटर्न पर न जाएं। केस स्टडी मैंने कहा है कि आप खुद से उस जो भी आपकी समझ हो उसको डिस्कस करें, रीड करें, हर एक प्रॉब्लम के डिटेल में जाएं। अगर कोई छोटी प्रॉब्लम भी लिखी हुई है, कोई डिलेमा आपको दिया गया है, तो भी उसके सारे ऑप्शंस को आप टिक करें और ऑनेस्टली उसको जो भी आपसे बिल्कुल नज़दीक आप जो प्रैक्टिकली अडॉप्ट कर सकते हैं जो सोल्यूशन, ना कि बिल्कुल आइडियल सोल्यूशन आप जो कि हो सकता है आपने किताबों में पढ़ रखा हो, बुक्स में पढ़ रखा हो, वही होना चाहिए केस स्टडी के क्वेश्चंस के आंसर में आप ये करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन पॉसिबल हो वो वहाँ पे अडॉप्ट करना है। तो अगली क्लासेस में हम अपने इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे।